हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो देखो यार, मैंने दो दिन पहले ही लिटरली खेलना शुरू किया था। मैं प्लैटिनम पे था, सीधा प्लैटिनम से देखो गाइस हेरोइक पे 4 स्टार लगा दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की ऐसा सीक्रेट ट्रिक गाइस बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग बहुत ही तेजी से अपना रैंक पुश कर सकते हो एंड बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। गाइस मैंने इसी ट्रिक का यूज करके, ठीक है, मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ, लेकिन दो ही दिन के अंदर गाइस सीधा गाइस प्लैटिनम से देख सकते हो हेरोइक पे 4 स्टार लगा दिया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कैसे आप लोग बहुत ही फास्ट तरीके से रैंक पुश कर सकते हो। एंड मैं तो लिटरली उतना खेलता भी नहीं हूँ, एंड अगर आप लोग खेलते हो गेम थोड़ा बहुत ज्यादा है, मतलब 4-5 घंटा अगर गेम खेलते हो, तो मेरे से भी तेजी से गाइस अपना रैंक बहुत ही फास्ट तरीके से पुश करके हेरोइक मास्टर या ग्रैंड मास्टर बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है गाइस, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से ना बहुत ही ज्यादा रैंक कैसे पुश कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गाइस, आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड खोलो, उससे मतलब नहीं रहता गाइस, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा लेकिन आप लोग डुओ स्क्वाड खोलो, क्योंकि सोलो में बहुत ही ज्यादा, मतलब गाइस क्या होता है ना, देखो सोलो में क्या होता है कि अगर आप लोग एक बार मर जाते हो ना, तो सीधा एक ही बार में फिनिश हो जाते हो, दोबारा से चांस नहीं मिलता है। लेकिन ये अगर आप लोग डुओ या स्क्वाड खेलते हो ना, तो बहुत ही फास्ट तरीके से एंड बहुत ही ज्यादा रैंक पुश कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप में से किसी एक टीममेट को गाइस फैल्को लेने के लिए बोल देना, ठीक है। जैसे फैल्को लेके गाइस होगा क्या, आप लोग अन्य बंदों की तुलना में ज्यादा तेजी से लैंड कर पाओगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, देखो मतलब देखो फैल्को का सिंबल कैसे रहता है, आप लोगों को पता रहता है ना कि मेरे टीममेट ने फैल्कन लिया या नहीं लिया। तो देखो गाइस मैं उतर रहा हूं ना, तो अगल बगल में रेड रेड जल रहा है, अगर रेड रेड जल रहा होगा गाइस, ठीक है, ऐसे तो समझ लेना कि आपके टीममेट ने आपने फैल्कन लिया है, ठीक है। अगर नहीं जल रहा होगा तो आप लोग सोच लेना कि फैल्कन नहीं लिया है। तो सबसे पहले गाइस फैल्कन का फायदा ये होगा कि आप लोग फास्ट तरीके से लैंड कर पाओगे, जिससे होगा कि गाइस यहाँ पे जो अन्य दूसरे बंदे उतर रहे उससे पहले आप लोग उतर के गाइस ज्यादा तेजी से गन लूट कर पाओगे, ठीक है। अब गन लूट कर लेना, अगर आपके पास आसपास बंदे उतरते हैं तो सबसे पहले उसको मार लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे आसपास में एक दो बंदे बचे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट है, तो यही लोग मार के इसका पोपट बना देंगे, मतलब इसका चूरन बना देंगे, ठीक है। तो इन सारे चिरकुट को तो यहाँ पे खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखो आप लोग कहीं भी उतरो, सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एंड परफेक्ट तरीके से लूट करना है। देखो बहुत सारे बंदों के पास ना लूट नहीं होता है गाइस, और वो लोग फाइट करने चले जाते हैं, जिससे वो लोग मर जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को मैं बताता हूँ, चलो। तो सबसे पहले ना आप लोगों को एक परफेक्ट वे में लूट कर लेना है, जैसे एक शॉर्ट रेंज का वेपन एंड एक लॉन्ग रेंज का वेपन। एंड ऐसा नहीं कि गाइस, मतलब अगर आप लोग मान लो डुओ खेल रहे हो, तो आपका एक टीममेट गाइस, ठीक है, मिल पे उतरा है, एक टीममेट क्लॉक टावर पे उतरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी उतरे गाइस साथ में उतरो। अगर आपका टीममेट आपका बात नहीं मान रहा, तो क्या हुआ सर, आप ही का, आप उसके जगह पे उतर जाओ, वो जहाँ पे उतर रहा आप ही वहाँ पे उतर जाओ। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा गाइस आप दोनों अपने फेवरेट प्लेस पे उतरो, दोनों का गाइस मतलब दोनों को जी जगह जो जगह अच्छा लगता है, ठीक है, वो जगह पे उतरो, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त को गाइस यहाँ पे अच्छा लगता है ये मिल, तो हम लोग सब लोग मिल पे आए, ठीक है। अब मिल के आने के बाद गाइस या फिर कहीं भी उतरो, परफेक्ट लूट करना चाहिए गाइस, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को अगर रैंक पुश करना है ना, तो परफेक्ट लूट करो। एंड जैसे आप लोगों का परफेक्ट लूट है गाइस, दोनों एक दूसरे से ड्रम डैमेज ले लो, या फिर स्क्वाड में खेल रहे हो तो अपने बंदों को गाइस ड्रम के पास बिठा के ड्रम डैमेज ले लो। इससे होगा क्या गाइस, देखो अगर आप लोग दो बंदे को किल करोगे ना, तो 400 का डैमेज मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग गाइस एक का ड्रम डैमेज लोगे, तो उधर से ही आप लोगों को 400 का डैमेज मिल जाएगा। एंड अगर दो दो बंदे का एक साथ ले, तो जैसे अभी मैंने पिछली बार लिया था, एंड अभी दोबारा से फिर से दो बंदों का ड्रम डैमेज लूंगा, मतलब गाइस 800+800 यानी 1600 का डैमेज गाइस। मतलब अगर आप लोग 8 बंदे को किल करके जितना गाइस आप लोगों को प्लस पॉइंट मिलेगा या जितना डैमेज मिलेगा ना, उतना गाइस मेरे को यहाँ पे 4 ड्रम डैमेज, मतलब दोस्तों का ही फोड़ के गाइस मार के उतना प्लस मिल जाएगा, ठीक है, मतलब उतना पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो आप लोगों ने अच्छी तरीके से ड्रम डैमेज वगैरह सब चीज ले लिया, उसके बाद गाइस आप लोगों का सारा चीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट जोन बनने का वेट करना है, क्योंकि गाइस फुल जोन रहता है तो बंदे भी बहुत सारे अलाइव रहते हैं, तो आप लोगों को गलती थोड़ा सा भी नहीं करना है, क्योंकि एक गलती सीधा भारी, ठीक है। तो उसके बाद गाइस जैसे थोड़े बंदे कम हो गए, तो यहाँ पे देखो 39 बंदे बचे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को थोड़े बंदे कम हो, उसके बाद फाइट करने के लिए निकलना है, एंड उसके बाद एक टीममेट लग जाएगा। देखो गाइस जैसे हम लोग पूरे स्क्वाड यही पे है, कोई भी बंदा कहीं दूसरी जगह पे नहीं, एंड हम लोग एक साथ मार रहे हैं, जिससे कोई भी बंदे का बचने का चांस ही नहीं है यार, बंदा बच ही नहीं रहेगा। एक बंदे का काम तमाम, दूसरे बंदे का भी मेरे टीममेट ने काम तमाम कर दिया है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी फाइट करना है, मतलब पूरा साथ में रहना है, ठीक है। अगर आप लोग डुओ खेलते हो तो एक साथ रहोगे गाइस, एंड अगर स्क्वाड खेलते हो, ऑब्वियसली आप लोग मुझे लगता है स्क्वाड ही खेलते होगे, तो जो भी खेलते हो गाइस अपने बंदों के साथ रहो। अब जैसे देखो ये वाला बाइक वाला बंदा कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहा है, इसका अपन लोग मत्था फोड़ते, रुको रुको रुको, पहले यहाँ पे अपन लोग ये वॉल लगाएंगे, और ये बंदे का फट से बड़ा हेडशॉट, बंदे का काम तमाम। तो यहाँ पे फाइनली गाइस देख लो अपन लोगों ने यहीं पे 2 किल ढाप दिया है, ठीक है, मतलब टोटली अभी अपन लोगों का यहाँ पे 2 किल हो चुका है। तो देखो गाइस इस तरीके से ना आप लोग बहुत ही आसानी से गाइस अपने टीममेट के साथ रखे बहुत सारे किल्स वगैरह निकाल सकते हो।
मतलब कुछ टीम गाइस कुछ किल्स अपने अपने टीममेट की चोरी करोगे आप, एंड कुछ आपका टीममेट भी आपका किल चोरी कर। लेकिन हाँ गाइस होते रहता है, इतना स्क्वाड में होता है थोड़ा बहुत, ठीक है 19-20 थोड़ा बहुत स्क्वाड में होता है। उसके बाद गाइस जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गाइस, ठीक है वो आता है गेम का एंड पार्ट। अब गेम के एंड पार्ट में गाइस मेरे एक टीममेट ने थोड़ा होशियारी की, चालाकी की, एंड वो देखो मरा पड़ा बैठा पड़ा है, क्योंकि वो अकेला जाके फाइट ले रहा था, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। देखो मेरे टीममेट्स लोग सभी अभी हम लोग जितने भी बचे हैं सब लोग यहीं पे गाइस, ठीक है। तो एक साथ रख के फाइट करना है गाइस। देखो यहाँ पे एक अभी चिरकुट है जो कि अभी उसका अपन लोग अभी मतलब गाइस कचौड़ी बना देंगे, ठीक है। कचौड़ी या चिरकुट को जो भी बोलो गाइस, उसका पोपट बना के उसका काम तमाम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा है गाइस, बस वो मुझे दिख नहीं रहा है कि किधर है। तो जैसे ही वो बंदा दिखेगा सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लैंडमाइन लगा देता हूँ, क्योंकि अगर वो इधर से ये रहा बंदा गाइस, ठीक है। तो ये रहा बंदा, इसको थोड़ा बहुत पड़ा डैमेज। एंड उसके बाद गाइस थोड़ा सा आप लोगों को किस चीज पे ध्यान देना है मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रिफेयर करूंगा ईयरफोन, ठीक है। ईयरफोन जो कान में लगा के खेलते हैं, मुझे पता है थोड़ा सा हानिकारक होता है गाइस, लेकिन अगर आप लोग ईयरफोन लगा के खेलोगे तो बेनिफिट भी इसका होगा गाइस। देखो बेनिफिट क्या होगा, आप लोगों का बंदे का फुट स्टेप आएगा गाइस, ठीक है। एंड फुट स्टेप आएगा तो आप लोगों को पता है कि बंदे को आप लोग मतलब पता कर पाओगे कि बंदा कहाँ है, ठीक है। जिसके कारण आप लोग बहुत ही आसानी से बंदे का पोपट बना सकते हो, किल कर सकते हो। एंड एंड तक रहते रहते गाइस अगर आप लोग अपने दोस्त के साथ रखे खेलोगे ना, तो बहुत ही आसानी से गाइस आप लोग थोड़े बहुत किल करके आपका टीममेट भी आपको हेल्प करेगा, एंड आप भी मतलब गाइस आप भी अपने टीममेट का हेल्प करोगे, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से गाइस बहुत ही खतरनाक तरीके से खेल सकते हो एंड अपना रैंक पुश कर सकते हो। देखो यार इतना तगड़ा वाला टिप्स एंड ट्रिक ना कोई भी नहीं बताने वाला है। लिटरली मैं इसी टिप्स एंड ट्रिक का यूज करके 2 ही दिन में सीधा प्लैटिनम से डायरेक्ट गाइस मतलब हेरोइक पे 4 स्टार ले आया, ठीक है। एंड मुझे लगता है आई थिंक कल तक अपना मास्टर भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ना बहुत ही आसानी से अपना रैंक पुश कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो देखो यार आप लोगों ने अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, अपने फैमिली का मेंबर होकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या कर रहे हो यार। बस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि अपन लोग ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एंड तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाते ही रहते हैं यार, और आप लोग क्या सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ पे देखो गाइस इसी तरीके से ना आप लोग देखो सारा पॉइंट मिला गाइस एंड 39 का प्लस ले लिया। तो वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता गाइस अपन लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।